सभी लोग, आई होप सभी कोई अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3ds Max सॉफ्टवेयर में कुछ टूल्स, जो मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना के आप लोग को बहुत सारा टूल्स को रिकवरी करना चाहता हूँ, बहुत सारा टूल्स कमिट कर दूंगा। आज मैं आपको कुछ एक सिंपल सा कुछ चीज़ लूँगा, जैसे कि आपका आज सोच के लाया हूँ कि आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा वर्ड्रॉप का मॉडलिंग करना, मटेरियल डालना, ये सब कुछ दिखाऊंगा। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा टूल्स को मैं कवर कर पाऊँ, तो थैंक यू। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ इमेजेस लिया हूँ, सिंपल सा है ताकि ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादा फायदा होगा, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे एक इमेज है, तो ये इमेज को सेम कैसे बनाएंगे पूरे मटेरियल के साथ, जैसे जैसे बना हुआ है पूरा एक वर्ड्रॉप। तो आप लोग अगर इसको अगर ऑटोकैड में बनाए होंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली इसको ऑटोकैड से बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको कोई बात नहीं, आपको मैं आज दिखा देता हूँ मैक्स में, और नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दूंगा ऑटोकैड में ये कैसे बनता है, क्योंकि ऑटोकैड का प्लान हम लोग इम्पोर्ट करके बनाने से क्या होगा कि हम लोग का मेजरमेंट ठीक होगा, लेकिन छोटा ऑपरेटर से कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा बिना ऑटोकैड का भी। तो आज इसी करते, तो देखिए दोस्तों, अब इसमें लोग बनाएंगे और इमेज हमारा यहाँ पे है, तो बार बार इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज देखने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ के ऑप्शन है, एक नया चीज़ दिखा रहा हूँ ये भी, तो इसमें आप चाहो तो अपने एक इमेज यहाँ पे सेट कर सकते हो, ताकि आपको बार बार मिनिमाइज मैक्सिमाइज ना करना पड़े, तो वो अच्छा भी होता है। तो इसमें एक ऑप्शन रहता है रेंडरिंग में जाके, एक ऑप्शन का नाम है ये व्यू इमेज फाइल, इसमें जाइएगा एंड हमारा जो पिक्चर है वो है डेस्कटॉप में, एंड कहाँ गया, मेरा डेस्कटॉप पूरा भर गया, इसको सजाना पड़ेगा, कहाँ है यार, रहा। तो इस वर्ड्रॉप को बनाएंगे किस तरीके से, इसका देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका है और बहुत तरीका से बन सकता है। एक तो हो गया, एक बॉक्स बना के कर सकते हैं, पॉलीगन से बनेगा, या फिर इसको हम लोग बना सकते हैं बॉक्स टू बॉक्स, मतलब बॉक्स मिला मिला के बना सकते हैं। तो हम लोग बेसिकल के आपको दिखाते हैं, दोनों ही प्रोसेस दिखा देते, चलिए इसी बात पे। तो पहला तो दिखाते हैं पॉलीगन से कैसे बनता है, और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें ये वार्डरोब को हम लोग कैसे ओपन करके दिखाते हैं, अंदर का जो कितना आपका लॉकर है, क्या क्या चीज सामान आएगा, कहाँ कहाँ पे आपका डिसीन है, मतलब कि पूरा पार्टीशन कितना गया है, कहाँ सिंगार का सामान कहाँ, सब चीज का इसमें अंदर का पार्ट्स दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ इसका आउटर पोर्शन दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो एक बॉक्स ले लेते फिलहाल इस तरीके से, और A4 से होता है एज दिखता है, देखिए इसमें एज दिख नहीं रहा है, मतलब कि एक लाइन से यहाँ पे एक, इसका दो तरीका होता है, चाहो तो A4 प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है ये एज फेस, ये देखो ऑन, और फिर यहाँ से ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं एज फेस, शॉर्टकट की है, F4 प्रेस करना सबसे बेस्ट होता है। और F3 क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी दिखेगा आपको, एजेस दिखेगा, देखिए तो पास पास में F3 F4 इसका टूल्स बहुत ज्यादा काम पड़ता है। हम लोग इंटीरियर जब बनाएंगे अंदर में पूरा एक रूम डेकोरेट करेंगे तब ये काम लगेगा बहुत ज्यादा ही। हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाइल लिस्ट में, हम लोग इसका लेंथ वेज सब चेक कर लेते हैं, 22 इंच का डेप्थ रखते हैं, 24 इंच रख लो सबसे बेस्ट, इसका विथ ले लेते हैं, ये होगा कम से कम तो 3-3-6, छ फीट हाइट ले लो, 8 फीट, हाइट 9 फीट हो जाएगा, ये 5 फीट, और जेड प्रेस करने से जूम। तो सबसे पहले मैं बनाना चाहता हूँ इसका जो पल्ला है वो, इसका आउटर फेस का। तो
सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट 12:12 पॉली, तो उससे पहले आप लोग को ये स्कर्टिंग दिखना पड़ेगा, स्कर्टिंग पर रखना पड़ेगा हम लोग को, नहीं तो फिर स्कर्टिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कन्वर्ट 12:12 पॉली करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एज को पकड़ेंगे फर्स्ट इसका और सेकेंड इधर में, मतलब बेसिकली वर्टिकल लेंगे हम लोग, वर्टिकल को सेलेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। अब कनेक्ट करने से, कनेक्ट का देखो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, एक कनेक्ट का यहाँ पे रहेगा ऑप्शन, और ये देखिए अगर आप कनेक्ट में क्लिक कर देंगे ये बॉक्स छोटा करके दिख रहा है ब्लैक कलर का, आप इसमें भी क्लिक करने से क्या होता है और यहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है बताते हैं। जैसे आप इसमें करके दिखाते हैं छोटा सा बॉक्स, इसका नाम सेटिंग है, यहाँ पे आप अगर माउस रखोगे तो सेटिंग दिखाएगा, लिखेगा भी दिख नहीं रहा है। तो सेटिंग में क्या होता है, छोटा सा बॉक्स में क्लिक करने से क्या होता है कि आपको इसमें इसका मेजरमेंट आ जाएगा कि कितना रखना है, कितना लाइन चाहिए, 2, 3, 4, 5 जो भी, मेरे को तो फिलहाल एक ही चाहिए, जैसे कि मानो 2 ले लिए। और ये क्या है, इसका डिस्टेंस बताए कहाँ कितना तक रखना है, ये हो गया। मान लो कि हमको इसका ठीक ऊपर नीचे रखना है इतना में, तो ये आ गया परसेंटेज में आया है, 100 करेंगे तो पूरा बराबर में हो जाएगा। इसको हम एक रखते, अगर एक करेगा तो एक करने से ये वैल्यू काम नहीं करेगा, फिर काम करेगा ये नीचे वाला लास्ट का ऑप्शन कहाँ तक, तो हम इसको यहाँ तक कर देते हैं, हाँ ठीक है चलेगा, फिर ओके कर दिया। अब हम आपको क्या बताए थे कि दो वर्टिकल को सिलेक्ट करने से कनेक्ट करने के बाद एक हॉरिजेंटल क्रिएट होता है। अब अगर दो अगर हॉरिजेंटल को क्लिक करेंगे तो एक कनेक्ट वर्टिकल होगा, ये मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो यहां पे भी ऑप्शन है राइट हैंड साइड में कनेक्ट का, ये देखो। तो जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू तो वही आएगा, मैं सबको 0-0 कर देता हूँ, 0-0, अच्छा इसका कुछ काम नहीं है, 0 नहीं रखने चलेगा क्योंकि हमारा जो लाइन है वो एक ही है, फिर भी ले लिया हूँ। उसके बाद दो पल्ला हो गया, अब ये ड्रॉयर बनाना है, 1, 2, 3 है, तो वही सेम प्रोसेस है, ये सबसे बेस्ट एंड इजी प्रोसेस है, आप इस चीज को यूज करो। 3 ले लो भाइयों, फिर इसका वही दे देता है, इसका वैल्यू कम कर लो, लगभग 55 चलेगा, एंड इसको फिर नीचे तक, ये देखो समझ में आया ना। अब पॉलीगॉन को फिर से क्लिक करके सबको सिलेक्ट करके फिर कनेक्ट, सॉरी पहले इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में देखिए स्कार्टिंग आ गया। अब इसमें स्कार्टिंग तो आ गया, साइड साइड में देखिए गैप आ गया, ये होना जरूरी है, और ये देखिए इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ ऑप्शन रहता है, जैसे कि ये दिखाते हैं ग्रुप एंड पॉलीगन, तो हम लोग को पहले तो जो ग्रुप था हम लोग इसको कर दिए पॉलीगन में, मतलब इसका डिवाइड हो गया। अब ये जो वैल्यू काफी ज्यादा हम लोग को इतना चाहिए नहीं, तो हम लोग इसको कम कर देंगे, फिर एक्सट्रूड। अभी जो पल्ला जो प्लाई का होता है उतना थिकनेस रखेंगे, उतना चाहिएगा, एमएम में आता है चलेगा, तो ये देखो हो गया। अब क्या हुआ, हाँ बन गया ना, देख रहे ना, हाँ। उसके बाद अब बच गया इसका ये जो फिटिंग हैंडल्स है वो कैसे लगाएंगे, वो इसका भी तरीका बहुत सारा मैक्स में भरा हुआ टूल्स, तो मैं आपको कुछ नया नया चीज दिखाता हूँ, जैसे 2-3 टूल्स दिखाता हूँ, दो टूल्स इसको कैसे बनाते हैं। पहला काम है बेंड से बना सकते हैं, लाइन से बना सकते हैं, आर से बना सकते हैं, तो पहले एक एक करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा लेफ्ट व्यू में, इस व्यू में जाएंगे, तो पहले हम दिखा रहे हैं आर्क बनाना, 2D है बेसिकली, ज्योमेट्रिकल में जाके आर्क ले लो सिंपल, फिर मॉडिफाई में जाके रेंडरिंग में जाके दोनों को ऑन कर लो, एंड ये रेडियल में है इसलिए राउंड आ रहा है, मेरे इसको कर दूंगा रेक्टेंगुलर में जाके,
ऑफ कर देंगे तब समझ पाएंगे। ये देखिए सेम, एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस दिखाते हैं, एक सिंपल से क्या करो, बॉक्स ले लो भाइयों, इसका साइज आप देख ले लो क्या करना है। इस पर एक जरूरी बात है, ये जो बेंड करने वाले हैं बेंड से, तो उसके लिए सेगमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि सेगमेंट नहीं होगा तो इसका सिमुलेशन का जो काम है जो बेंड होएगा वो नहीं होगा विदाउट सेगमेंट। तो मॉडिफाई में जाके बी से बेंड एंड इसका दो इसमें दिखाते हैं बेंड एक्चुअली है क्या। बेंड का मतलब ये सिंपल सा किसी को चीज को मोड़ना है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन को कैसे काम करना है, कैसे इंटरफेस को यूज करना है ये देखता कहते हैं। जैसे ये एंगल है 0-0 एंगल में, अगर इसको मैं रख दिया हूँ 90 डिग्री में, तो ये 90 डिग्री में हो गया। 180 में करेंगे तो पूरा हाफ हो गया ये यहाँ पे, ठीक है ना। 180 किए तो पूरा इसका हाफ पोर्शन ये मुड़ गया। अब ये डायरेक्शन है, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में चाहिए, कितना डिग्री में चाहिए, ये भी दिखा रहा है डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन। तो मैं इसको 90 कर दूंगा तो ये इधर में हो जाएगा, एंड डायरेक्शन में अपोजिट में। तो बेसिकली डायरेक्शन दिखा रहा है डायरेक्शन में। ये फिर एक्सेस क्या है, जैसे कि ये कौन से एक्सेस में चाहिए, जैसे कि एक्स में, वाई में या जेड में, तो जेड में ही रहने दीजिए। लिमिट्स क्या है, लिमिट्स का मतलब होगा कि हमको कहाँ से बेंड करना स्टार्ट करना है, कि लिमिट सेट कर देंगे। मान लो हम इसको ऑन करके लिमिट्स हम सेट कर दी, अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स है, तो इसको ये पहले इसको वैल्यू को कम कर लेते हैं। ये देखो ये बेंड जो हो रहा पूरा नहीं हो रहा है, हाफ करके लिमिट्स में आ गया। तो जितना आप लिमिट्स में करोगे उतना होगा, ये देखो। फिर ज्यादा कर दोगे तो बाहर से एक बॉक्स निकल जाएगा, देखो ऑरेंज कलर का। तो ये बेसिकली लिमिट्स है कहां तक आपको रखना है। तो मेनली कर यहाँ पे रख दिया तो यहाँ तक बेंड हुआ, बाकी स्ट्रेट हो गया, यह चीज पोर्शन बेंड हुआ और ये पोर्शन हो गया। उस तरह ये क्या है, ये नीचे का पोर्शन को करता है बेंड। जैसे इसको अगर हम जीरो कर देंगे तो आप समझ पाओगे, बेसिकली चीज वही है। हाँ, इसको वैल्यू देके बढ़ाओगे तब समझ में आएगा कितना एंगल में रखना है। ये जो हम लोग बनाएंगे जब एक्सटीरियर में, तब यहाँ पे बहुत काम लगेगा आपका, प्लम्बिंग में पाइप्स कहाँ कहाँ निकालना है, जैसे सिलेंडर में, तो उसके लिए ज्यादा ये काम लगता है। वो मैं दिखाऊंगा डिटेल में और जब हम लोग करेंगे एक्सटीरियर में तब। तो फिलहाल के लिए ये समझ गए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आर्क हो गया, सॉरी आर्क से बना दिए, बेंड से बना दिए, और क्या बना सकते हो आप चाहो तो एक और टूल्स है, सिलेंडर से बना सकते हो। बट सिलेंडर में क्या होगा ना कि ये पोर्शन नहीं आएगा, बट स्लाइस करने से क्या होगा, इसका हाफ आ गया। इसको अगर मैं रोटेट कर देंगे, इसको ऑन करके स्नैप टेबल को, और इसको पूरा 180, इससे थोड़ा मेहनत क्या होगा कि काटना वटना पड़ जाएगा, पॉलीगन का यूज करना पड़ेगा, इससे थोड़ा मेहनत है। पॉलीगन पकड़ के कन्वर्ट टोटल पॉली, पॉलीगन इधर इधर पकड़ो। तो बेसिकली ऐसा बनाएंगे नहीं, बट फिर भी दिखा देते टूल्स कैसे काम करता है। इतना मेहनत कोई नहीं करता एक टू बेंड्स बनाने के लिए, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि और भी क्या क्या टूल्स है। जैसे कि मैंने क्या किया, दो पॉलीगन को पकड़ के, पॉलीगन को फिर इंसर्ट करके फिर ओके कर दी। अब क्या किया, जो बन गया इसका सिर रखना है, बाकी डिलीट कर देना है। तो सिंपल सिलेक्ट कर लो, डिलीट कर दो, ये बन गया। तो मैं दिखाई हूँ, बेसिकली ऐसा कोई बनाता नहीं है, इतना लॉन्ग प्रोसेस, जो काम सेकंड में हो जाएगा उसके लिए हमको मिनट खर्चा करना पड़ जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। फिर प्रोसेस आप समझ गए कि पॉलीगन से बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे जाता हूँ। उसके बाद तो ये लॉक को थोड़ा सा स्केल कर देते हैं क्योंकि छोटा है, और फिर सही जगह पे रख देते हैं, थोड़ा सा साइड। अब सेम को हम कॉपी करके नीचे, अब क्या करेंगे, रोटेट। रोटेट
करने का तरीका दिखाते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, बहुत लोग ये ऑन ही नहीं करते, अगर डायरेक्टली रोटेट में जाके इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो ये सबसे रॉन्ग प्रोसेस है दोस्तों, ये कभी मत करिएगा। क्योंकि ये अगर ऑन नहीं होगा, अगर आप ये विदाउट ऑन किए अगर आप इसको रोटेट करते तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, कि आपको बहुत डिफिकल्टी होगा मतलब स्ट्रेट करने में, बहुत डिफिकल्ट, आपको सीधा होगा नहीं जल्दी, इसका हाथ जितना भी अच्छा से बैठा हुआ फिर भी वो बहुत तकलीफ से वो ला पाएगा, फिर भी देखिए नहीं हुआ। क्योंकि ये देखो जूम करके दिखाते हैं, जूम में नहीं आ रहा है डिग्री, एक सेकेंड, क्या होता है दिखाते हैं। अगर आप ये ऑन नहीं करेंगे तो ये मिली मतलब कि डेसिमल में लेता है रोटेट, मतलब आपकी स्ट्रेट लाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये ऑन कर देंगे तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 5 नंबर करके ये सीधा होएगा। जैसे कि मैं चलता हूँ सीधा कर देता हूँ, जैसे था थोड़ा कंप्यूटर हैंग हो गया है, हाँ दोस्तों इसको क्या किए, हाँ इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ नीचे कर दिए एंड ओके। तो अगर आप स्नैप टॉगल को अगर ऑन नहीं करोगे, एंगल स्नैप टॉगल को, तो दिखा दी क्या प्रॉब्लम हो गया। अगर इसको ऑन करने से क्या होगा कि ये 5-5 करके, जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं, हाँ यहाँ पे आ रहा है डिग्री, तो ये 5-5 करके बहुत आसानी से हो जाएगा, जैसे 40, 45, 50, 55 ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री आराम से आ जाएगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो आप जितना भी कोशिश कर लो ये मिले पूरा पॉइंट या डेसिमल में एकदम जीरो नंबर से आ रहा है, तो वो करने में एकदम पिक्सलेट हो जाएगा, फिर भी वो स्ट्रेट नहीं होगा। हाँ तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग है। तो मैं इसके एक और प्रोसेस है कि आप 5-5 ना करके एक बार में 90 डिग्री का रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट क्लिक करोगे एंगल स्नैप टॉगल में, और ये देखो यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं एंगल दिखाना चाहता हूँ आज, बाकी का काम और मैं बस दिखाऊंगा अलग अलग चीज में। तो एंगल यहाँ पे कर देना है 90, देन ओके। उसके बाद अब ये देखो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, सॉरी ऑन नहीं है, ये करने के बाद ये टिक भी करना है, देखिए ऐसा कलर हो जाएगा। अब ये एक एक बार में 90, 270, 360 मतलब कि सीधा ही आएगा। तो मेरे को इसको चाहिए हॉरिजेंटल, के बाद में क्या करता हूँ इसको ठीक, अच्छा सॉरी वो इमेज, अब ये जो है कॉपी का भी इसमें देखते हैं। अब अक्सर देखे होंगे अगर कॉपी करते समय ये क्या चीज़ है, इंस्टेंस क्या है, यह दिखाती है आपको इंस्टेंस एंड कॉपी में क्या अंतर है। मान लो कि एक बॉक्स है आपके पास, अब इसको हम सिंपल सा शिफ्ट दबा के अगर मैं इसको कॉपी करेंगे, तब ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉपी एक इंस्टेंस। तो कॉपी कर दिए सेम फर्स्ट बॉक्स को, इसको कॉपी कर दिया। अब इसको ठीक हम अब हम क्या करते हैं, ये जो पहला बॉक्स को हम लेफ्ट साइड में इंस्टेंस करते हैं, ये मेन सोर्स है, इसी से कॉपी हुआ, इसी से आपका इंस्टेंस हुआ। तो भाई क्या करेंगे, इसमें मॉडिफाई में जाके इसका अगर लेंथ वेंथ चेंज करेंगे तो देखो कम बेसी हो रहा है। किसका कम बेसी हो रहा है, जो मेन है, जो एडमिन है एंड जो इंस्टेंस हुआ है, वो दोनों साथ में जो मेजरमेंट दे रहे हैं सेम वैसा भाई भाई जुगाड़ के जैसा काम कर रहा है, ट्विंस के जैसा। लेकिन जो बेचारा कॉपी है वो
चुपचाप बैठा हुआ, मतलब कि कॉपी करते समय हम लोग को वो दोनों पार्टीशन हो जाता है, मतलब कि डिफरेंस कि आप इसको एक इंडिविजुअल होगा और एक इंडिविजुअल, बट जब भी आप कभी इंस्टेंस करेंगे तो एक साथ में दोनों काम होता है। तो ये बहुत जगह लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम होता है हमारा वीरे में, लाइटिंग के ऊपर। मान लो कोई अगर लाइट डाले यहाँ पे फॉल्सिले में 5-6 वाट का, तो अगर सब में डाल दिए हो कॉपी करके, अगर आपको लाइट कम हो रहा है तो एक एक करके करने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत इरिटेट हो जाएंगे। तो क्या कर देते हैं हम लोग, उस सबको इंस्टेंस कर देते हैं, ताकि एक का पावर 5 रखेंगे तो फिर 6 करना पड़ेगा, तो एक एक करके करना नहीं पड़ेगा, एक बार में सारा हो जाएगा इंस्टेंस करने से। तो इसका 99% काम जो होता है वो है सब लाइटिंग के ऊपर, बट इसमें भी काम लग सकता है कभी कभी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो चलो ठीक है, ये तो हो गया, अब हमको अगर जरूरत पड़ गया कि भाई मेरे को इतना लाइट बना दिया, मेरे को सिर्फ एक बॉक्स को, अब हम इसको जो इंस्टेंस किए हैं इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। मान के चलो कि अगर कोई फॉल सीलिंग है, जैसे दिखा देते हैं फॉल सीलिंग है और ये लाइट है, मान लो ये लाइट है, इसको हम कॉपी कर दिए ढेर सारा, ये हम कॉपी किए हैं, और सॉरी कॉपी तो नहीं करना चाहिए था मेरे को, क्या हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इंस्टेंस कर लेते हैं। मान लो ये लाइट है, अब सबका तो पावर एक जैसा होगा, सबका पावर हम इंस्टेंस करते हैं, इसका अगर 5 किए तो सबका 5-5 हो गया, यहाँ तो ठीक है। अगर मान लो कि मेरे को ये इसका लाइट मेरे को 5 रखना है, बाकी का लाइट को 10 रखना है, तो फिर क्या करोगे इस समय सिचुएशन में, क्या करोगे, इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसका चेन जो है जो इंस्टेंस किए हो। तो एक ऑप्शन है देखिए, जैसे कि मान लो इसको हम अगर बढ़ा देते हैं वैल्यू, तो सबका बढ़ गया, मान लो हाइट बढ़ा देते इसका, अब इसको ब्रेक करने का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, ये लेयर पार्ट में देखो यहाँ लिखा मेक यूनिक, इसमें क्लिक करोगे तो देखो ये इंडिविजुअल बड़ा हो रहा है, फिर इसमें क्लिक करो ये अलग अलग हो रहा है, तो इसमें फिर से आप क्या कर दो, मेक यूनियन कर लो, यूनिक सॉरी, अब ये अलग। तो ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं जानोगे तो ये सिचुएशन अभी ऐसा आ जाएगा कि अगर आप बहुत मेहनत करके बनाए हो, बहुत सारा लाइटिंग वाइटिंग या बहुत सारा काम किए हो सर इंस्टेंस में, अगर मान लो किसी को एक तो ब्रेक करना हो तो फिर से सबको डिलीट करना पड़ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये ठीक है, ये आप समझ गए होंगे आई होप सो, जहाँ तक मैं समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझोगे तो फिर से मेरे को कमेंट कर सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं और बढ़िया से समझा सकता हूँ इसको, फिर करके इसको। ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है, कोई बात नहीं, आप लोग इरिटेट मत होइएगा, मैं चाहता हूँ कि सभी व्यूअर मेरे बहुत डिटेलिंग में काम जाने, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस मेरा ये एम है, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है डिटेल में समझाने के लिए, कोई टेंशन नहीं, इंस्टेंस ही रखता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। वो में चला जा रहा है बार बार, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा भाई, एक स्क्रीन तो ये सेम एज इट इज बन गया। अब इसमें काम बाकी रह गया है, वो है इसका क्या बोलते हैं मटेरियल का काम, टेक्सचर डालना है। तो ये टेक्सचर आप गूगल से लिख क्लिक के कुछ भी ले सकते हो, मैं जैसे मैं कुछ शायद मैं रखा हूँ बैकग्राउंड के ऊपर ये टेक्सचर, तो ये मैं इसको लाना चाहता हूँ, उसके लिए एम प्रेस करो। और एक चीज ये जो देख पा रहे हो यहाँ पे, ये स्टील है, ये स्टील मटेरियल बनाना पड़ेगा वीरे में। तो आज तो मैं वीरे दिखाऊंगा नहीं, आज तो मैं सिर्फ मॉडलिंग दिखा रहे हैं, जिस दिन वीरे कराएंगे उस दिन आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से ये आपका स्टील मटेरियल बनता है वीरे में। तो आज मैं आपको यही दिखाता हूँ टेक्सचर लगाना, वो भी स्टैंडर्ड में, वीरे में नहीं करेंगे, वीरे के लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो क्या करना था ना, डिफ्यूज में जाके, बिट मैप में जाके, डेस्कटॉप पे मेरे है, यहाँ पे ले लो ये डीप टेक्सचर। इसको अब काम नहीं है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब इसको डायरेक्टली दो प्रोसेस यहाँ पे पुट करने का, पहला प्रोसेस देख लो, ये आपका टेक्सचर है, अब मेरे को यहाँ पे पुट करना है। आप सिंपल सिलेक्ट करो जो ऑप्शन को चाहिए, जो लगाना है टेक्सचर को सिलेक्ट कर लिए, और फिर असाइन मटेरियल में जाओ। ये मटेरियल हो चुका है बट ये व्यूपोर्ट में नहीं दिख रहा, तो मेरे को ये व्यूपोर्ट को ऑन करना पड़ेगा। देखो, शो शेडेड मटेरियल व्यूपोर्ट। अगर आप इसको रेंडर करोगे जैसे F9 प्रेस करके, अच्छा ये वीरे में है मेरा सेटिंग, कोई बात नहीं, दिखेगा नहीं, तो ये शो करेगा, बट ये नहीं करोगे तो व्यूपोर्ट में शो नहीं करे, तो इसको करना जरूरी है। देखो व्यूपोर्ट में शो कर रहा है। अब मेरे को इसको क्या करना है ना, इसका टेक्सचर को थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है वो ठीक नहीं लग रहा, इसको वर्टिकल मिलाना है। जैसे इस इमेज में, हाँ इस इमेज देखो वर्टिकल में है इसका जो विंस है। तो इसका प्रोसेस क्या है ये भी जान लो। इसमें क्या होता है कि आप टेक्सचर लोगे तो यूवी मैप करना पड़ेगा, यूवी मैप नहीं करोगे तो कभी भी टेक्सचर सेपरेट बढ़िया से नहीं होगा। यूवी मैप करने से देखो आ गया एकदम ऐसे चीज, बट अगर नहीं भी आता है व्यू मैप करने के बाद, तो यहाँ पे सेटिंग्स से प्लेनर ले सकते हो, जैसे सिलेंडर ले लोगे ऐसा आएगा, स्फेरिकल ऐसा आएगा, मतलब ये सब चीज का इक्विवेलेंट दिया हुआ है कि किस तरीके से ये होता है, जो शेप में रहेगा वो शेप में कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये बॉक्स में हम कर दिया, अब मेरे को मन करा ये बॉक्स में भी वो ऐसा हो जाएगा हॉरिजेंटल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है गिज़मो ऑन करके, एंड फिर हम लोग रोटेट कर सकते हैं जैसे भी, ये देखो ऐसे। तो ये सब समझना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा एक वर्ड्रॉप में आप लोग को मैं टूल्स ज्यादा दिखाना चाहता हूँ छोटा चीज में, ताकि आप समझ पाए। अगर हम बड़ा बड़ा चीज दिखाना शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा बिगनर्स के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले स्मॉल स्मॉल स्टार्ट करें, फिर उसके बाद पूरा फुल एक बेडरूम, उसके बाद फुल एक एक्सटीरियर सिखाए। तो मेरा यही एम है भी कराने का। तो इसमें आप गिज़्मो समझ गए हैं, उसके बाद इसको ऑफ कर देंगे, अगर ये ऑफ नहीं करेंगे तो काम चलते रहेगा। वो इमेज कहाँ गया, हाँ ये हो गया कंप्लीट। बाकी रह गया खाली इसका स्टील मटेरियल, वो आपका वीरे में होगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये आप समझ पाएंगे, आप सब, जहां तक मैं चाहता हूँ सोच रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे प्लीज जो कमेंट में दिया हुआ है, या फिर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसा ऐसा वीडियो में बहुत सारा बनाए आपको सिखाए, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मेरा चैनल पे और भी ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि और मैं अच्छा से आप लोग को समझा पाऊँ। समझ पा रहे हैं ना? तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड आते रहिएगा, एंड आई होप नेक्स्ट वीक में एक और वीडियो बनाएंगे डिटेलिंग में। ठीक है, थैंक यू सो मच।